फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है फ्राइडे, आज मैं दिन नहीं भूली, मैं डेली दिन भूल जाती हूँ। तो आज फ्राइडे है और मैंने अभी जस्ट कल की तरीके बिस्किट खाए हैं, 4 बिस्किट मैंने खाए हैं। और अंबुज इधर चाय पी रहा है और मम्मी भी उधर चाय पी रही हैं। आज मैं मेहंदी लगाऊंगी इस वजह से, तो अभी मैं जाऊंगी सर धुल के नहाऊंगी। इसका ब्लॉग ना, मेहंदी वाले का ब्लॉग मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। तो चलिए पहले मैं नहा करके आती हूँ। तो मैं जस्ट अभी नहा करके आ गई। अभी हम मेहंदी लगाते हैं ना, तो हमको ऐसे ही गंदे बालों में नहीं लगाने चाहिए हमें। जिस दिन हम मेहंदी लगाएंगे हेयर में, उस दिन हमको बालों को क्या बोलते हैं, वॉश करना चाहिए, उसके बाद मेहंदी अप्लाई करनी चाहिए। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ जिस भी दिन। हाँ सोना, लो देख लो, हेलो बोलो। तो क्या कह रही थी मैं, तो मतलब जिस भी दिन मैं मेहंदी लगाती हूँ उस दिन हेयर को वॉश करती हूँ पहले, उसके बाद जब ये सूख जाते हैं अच्छे से उसके बाद में मेहंदी अप्लाई करती हूँ। अच्छा खासा कलर आ जाता है और बाल भी सिल्की स्मूथ शाइनी हो जाते हैं। तो चलिए मैं मेहंदी को रेडी कर लेती हूँ सकते हैं। और मेरी आँख ऐसे धूप की वजह से हो रही है, मतलब धूप नहीं है बट धूप की जो क्या बोलते हैं झड़प सी आ रही है ना, उसकी वजह से आँख ऐसी हो रही है झड़प। मैं ना कुछ वर्ड ऐसे बोल देती हूँ, टिपिकल अपनी लैंग्वेज में बोल देती हूँ, जो मेरे घर में मैं अपनी फैमिली मेम्बर से बात करती हूँ हिंदी के वर्ड बोल देती हूँ। जैसे मैंने एक और क्या बोला था, बिगाड़ना बोला था एक वीडियो में, मैंने बिगाड़ना बोल दिया था उन्नत से। और तो लोग से कह रहे थे कैसे वर्ड्स हैं, क्या है क्या है, तो ये हिंदी है। मतलब हिंदी बोलने में हमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। कोई भी लैंग्वेज है, कोई क्या अपनी क्या बोलते हैं मातृभाषा बोलने में, मातृभाषा के जो वर्ड्स हैं वो बोलने में हम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्राउड होना चाहिए अपनी लैंग्वेज पे। जैसे हिंदी हमारी लैंग्वेज है तो हिंदी पे प्राउड होना चाहिए। कोई अपनी लैंग्वेज पे शर्मिंदा क्यों हो, क्यों मतलब ऐसा हो कि हिंदी बोल दो, अगर हिंदी के वर्ड्स यूज कर लो तो शर्मिंदगी वाली बात है। ये चीज बहुत गलत है और मैं इसके एकदम खिलाफ हूँ। हिंदी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये नहीं कह रही हूँ कि सारी लैंग्वेज खराब है या अदर लैंग्वेज खराब है, सारी लैंग्वेज अच्छी है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब इसको गलत भी मत ले लीजिएगा। कोई अंग्रेज अपनी अंग्रेजी बोलने पे शर्मिंदा होता है, नहीं ना, तो हम क्यों हिंदी बोलने पे शर्मिंदगी महसूस करें। तो मैंने बिगाड़ना बोल दिया था, तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, बिगाड़ना बोल दिया, कैसे बात करती है, ये है वो है। तो मैं हिंदी में बात करती हूँ और मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि मैं हिंदी में बात करती हूँ। तो टॉपिक कहाँ से कहाँ पहुंच गया, मेरे ना दिमाग में एकदम से बात आ गई, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर कर दूं। तो वही अभी मैंने जो झड़प बोल दिया ना, इस वजह से मेरी वो बात आ गई। और ये दिन भर ऐसी लड़की परेशान करती रहती है, कहीं मुझे परेशान करेगी, कहीं अपनी नानी को परेशान करेगी, दिन भर ऐसी परेशान करती रहती है। और जब मैं नानी के आती तो ओम के साथ बिजी रहती थी, इसको कुछ भी होश नहीं रहता था, लड़की कहाँ है, नानी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, खुद कहाँ है। बट यहाँ जब से आई तब से बहुत परेशान करती है। तो चलिए, बहुत ज्यादा ज्ञान बांट दिया मैंने लग रहा। तो अभी मैं ना जल्दी से मेहंदी को घोल लेती हूँ, थोड़ा इसको भी देखती हूँ। मैंने जस्ट अभी अपना लंच फिनिश किया है और लंच ना बहुत टेस्टी बना था आज। और आप लोग सोचोगे मैं ये अंधेरे में कहाँ आ गई हूँ, तो मैं स्टोर में आ गई हूँ। तो अभी मैं दिखा रही हूँ कि मैं क्या करने जा रही हूँ। और मैंने ना अभी मेहंदी नहीं लगाई, अभी थोड़ी देर में मैं मेहंदी लगाऊंगी, ऐसे ही मन नहीं कर रहा था इस वजह से। इधर बेटू सो रही है और मम्मी लेटी हैं, और मैं ना मम्मी का ये रील बॉक्स है इसको अरेंज करने के लिए बैठ गई हूँ। कल से सोच रही हूँ अरेंज कर लूँ बट अरेंज नहीं कर पाई, तो अभी मैं इसको अरेंज करने जा रही हूँ। चल, तो ये बहुत बहुत पुराना रील बॉक्स है मम्मी का, इसकी हालत देखिए क्या हो गई है।
एक तरीके से ये एक निशानी भी है पुराने दिनों की। ये मशीन का इसमें पड़ा है मम्मी, जब मम्मी सिलाई करती थी ना तब से रील बॉक्स यही वाला था है। तो मैं उस दिन मार्केट गई थी तो ये वाला रील बॉक्स लेकर के आई हूँ। तो सारी जो रील है मम्मी की मैं इसमें अरेंज करके रख दूंगी इस तरीके का। ऊपर सामान भी रख सकते हैं और नीचे इसमें सारी रील के लिए अलग अलग ये स्पेस दिया हुआ है। तो चलिए मैं जल्दी से इसको अरेंज कर लेती हूँ। फाइनली इतना गंदा हो गया ये, काफी दिनों से तुमने सिलाई भी तो नहीं करी है ना। सिलाई करी है, जिंदगी भर अपने हाथ और पैर चलाए हैं। कोई जॉब नहीं थी जहाँ पर वो बैठ करके ऑफिस में अच्छे से आराम से कुर्सी पे बैठ करके कोई जॉब करे, कुछ नहीं था। मतलब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, मतलब जो भी है मम्मी के हाथ पैर और इन सारे, इसलिए मुझे इन सारे चीज़ सामानों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। मम्मी की जो सिलाई मशीन है ना वो भी अंदर रखी हुई है, उसी से मम्मी सिलाई करती। इन सारी चीज़ों ने मुझे पाल पोस के, और ऑब्वियसली मेरी मम्मी ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, तो मुझे इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। जब मैं छोटी थी तो मम्मी सिलाई सिखाती थी लड़कियों को, तो लड़कियां भी आती थी सिलाई सीखने। तो अभी जब मैं सामान एक सा कर रही थी ना तो मुझे वही सारी चीज़ें, और इनमें से काफ़ी सारी रील्स ना बहुत पुरानी है, आप देख सकते हैं हालत बहुत ही पुरानी रील्स हैं काफ़ी सारी। मैंने उनको स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि सिलाई हो गई जितनी थी, जितनी लिखी थी सिलाई करना उतनी सिलाई हो गई, अब वो कुछ भी सिलाई नहीं करती। बट हाँ, अगर मन करता है तो थोड़ा बहुत ऐसे ही सिल लेती है, क्योंकि इंसान जो काम जिंदगी भर से करता आया है उसको तो ऐसे छोड़ नहीं सकता है ना करना। चलिए मैं इसको अंदर रख देती हूँ, और अभी मुझे एक और काम करना है। ये भगवान जी का सिंहासन है ना, थोड़ा सा खराब सा हो रहा है, नया खरीदने की बजाय मैं इसी को अच्छा सा बना देती हूँ। सबसे पहले मैं ना देखो, मैंने लिप बाम लगा ली, मैं ना कलर ढूंढते ढूंढते मुझे क्या मिल गया, मैं बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये मेरा
पहला फोन, पहला मोबाइल मम्मी ने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। नानी वगैरह से बात करने के लिए स्टूडियो जाना पड़ता था, भाग भाग के। स्टूडियो बहुत दूर था, कभी दोपहर में बात करनी ज़रूरी हुआ, कभी शाम में, कभी रात में। तो ये फ़ोन कानपुर मामा मेरे लिए लेकर के आए थे, मतलब हम लोगों के लिए लेकर के आए थे, ये वो फ़ोन है। उसके बाद जो सेकेंड फ़ोन है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये सेकेंड फ़ोन है। इसके बाद ये वाला फ़ोन था मम्मी के पास, मेरा फ़ोन है, मेरा देना अम्बुज। ये मैंने फ़ोन ख़रीदा था जब मैं जॉब करती थी, तो मैं ना इस फ़ोन के पीछे पागल थी। मेरे ऑफिस में किसी एक लड़की के पास ऐसा फ़ोन था, मैं मतलब लिटरली मैं इतना पागल थी कि मुझे खाना पीना सब छोड़ छाड़ के मैंने पैसे जोड़ जोड़ के ये फ़ोन ख़रीदा था। इसका तो मुझे मॉडल नंबर भी याद नहीं है, ये इस तरीके इतना टाइट हो गया ये, ऐसे पहले बहुत स्मूथली ओपन होता था। ये वाला फ़ोन लिया था मैंने, ओ माय गॉड, ये मेरे बचपन की घड़ी है। ये मेरे सबसे छोटे वाले मामा हैं, अनुपम मामा, वो कश्मीर से लेकर के आए थे, मेरे लिए लाए थे, एक अंबिका के लिए लाए थे, दो घड़ी वो लेकर के आए थे। और इसके ये जो छल्ले हैं ये चेंज हो जाते हैं, इसमें ढेर सारे छल्ले लगे हुए थे, तो जो ड्रेस पहनो उसी ड्रेस के छल्ले लगा लो। इसका बहुत सुंदर बॉक्स भी था, इसका बॉक्स कहाँ गया? बॉक्स ये खराब हो गया। तो ये सारे छल्ले इसके साथ मिले थे, तो इसको ना चेंज कर करके मैंने ये घड़ी बहुत पहनी मैंने ये घड़ी, स्कूल में सारे पेपर्स दिए मैंने यही वाली। लाइट में ना और अच्छे से शाइन कर रहा है, इसके जो स्टोन है ना और अच्छे से चमक रहे हैं। तो बस मैं अब तो बस यही एक छोटी सी चीज़ मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी कि कोई भी पुराना चीज़ या सामान हो उसको आप कलर करके और इस तरीके से स्टोन करके लगा सकते हैं, बेहतर है उसको फेंकने की बजाय। तो चलिए मैं सिंहासन में फाइनली भगवान जी लगा करके रख देती हूँ और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लैक पड़ चुका था, जैसे कि आपने देखा ही था पहले कितना खराब लग रहा था, अब अच्छा लगने लगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज कल मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, कल ना यहाँ पर लाइट ही चली गई रात में और काफी देर तक लाइट नहीं आई, फिर लेट हो गया, फिर नहीं ज्यादा मतलब नहीं इच्छा हुई ब्लॉग बनाने की, इस वजह से मॉर्निंग में बना रही हूँ। और आज मॉर्निंग में बड़े वाले मामा और छोटू आ गए और मेरा दिल्ली ना जाने का रीजन थी ये लड़की थी वो, जिसकी वजह से मैं दिल्ली नहीं जा पा रही थी, मुझे अटका के रखी थी। तो मतलब छोटू के साथ जाना था मुझे दिल्ली और इसको कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम था आगरा में, ये नहीं आ पा रही थी। और अगर मैं चली जाती तो कहती मुझे छोड़ के दीदी भागी अकेले, इस वजह से अभी आ गई। अब मैं कल या परसों में निकल जाऊंगी। प्रियल अभी मौसी के आई है, वो मौसी के यहाँ रहेगी थोड़े दिन, उसके बाद आएगी और मैं चली जाऊंगी फाइनली दिल्ली। तो चलिए मिलती हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल बात अपनी शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपसे आराम से चैट कर सकती हूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए
मिलती हूँ मैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।